हेलो, कैसे हैं भाई? यस, कमलेश पाटीदार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कुशल सक्सेना, वेरी गुड। कुशल सक्सेना जी का कमेंट एक बार पढ़ें और अगर आपको लगता है तो उसे अप्लाई करें। कुशल सक्सेना जी का एक बार कमेंट पढ़ें और आपको लगता है तो उसे अप्लाई करें। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। राघव, गणेश गुप्ता गुड मॉर्निंग, आर्यन जैन भी गुड मॉर्निंग जी, आशुतोष कुमार जी भी गुड मॉर्निंग। दीवार गुरु, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। गो कोरोना गो, जाएगा कोरोना। गुड मॉर्निंग हर्ष चौहान, रोहित कुमार गुप्ता। ओ माय गॉड, अभी तो शुरू भी नहीं किया वे। सही कह रहा है रोहित कुमार गुप्ता, ये पता है जान बूझ के करते हैं मजे लेने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा दिन है, अभी कर लो। सही कह रहा है तिलक फिरदौरिया, नहीं किया है भाई। बेल आइकॉन इज डिसेबल्ड फॉर दिस चैनल। बेल आइकन डिसेबल्ड कैसे हो सकता है? बेल आइकन तो चालू है, दोबारा चेक करो बेटा। सब्सक्राइब करना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद बेल आइकन दबता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। केमिकल की शीट, लाइक्स क्रॉसेस 100, देख तो 200 रहे हो यहाँ पे और लाइक 108 है और कह रहा 100 क्रॉस हो गए। क्या मतलब है 1,000 लाइक होने चाहिए तब लगता है यहाँ क्लास लिए सर ने? बिना 1,000 लाइक के कोई लगता है कि क्लास लिए सर ने? हाँ, ब्रजेंद्र कुमार वेरी गुड। विलियम शेक्सपियर, राम राम। विलियम शेक्सपियर कब से राम राम करने लग गए वे? चलो शुरू करते हैं अपन। हमने पिछली क्लास के अंदर डीपीपी नंबर 9 दिया था, याद हो तो। और वो डीपीपी नंबर 9 था हाइड्रोलिसिस का, और जो हाइड्रोलिसिस का डीपीपी था उसकी नंबरिंग 9 क्यों है? क्योंकि डीपीपी नंबर 8 तक आपको पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। क्या बोला जल्दी बताओ? डीपीपी नंबर बोलो 8 तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इसलिए हम आगे, जल्दी बोलो, हम आगे। अब डीपीपी नंबर 9, तो डीपीपी नंबर 9 जो थी वो बेस्ड थी हाइड्रोलिसिस पर। और डीपीपी डिस्कशन का जो तरीका आपको पता है कि क्लास में अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आंसर लिखूंगा, आप अपने आंसर चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप एक एक करके डाउट पूछेंगे। मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, तब आप लिखोगे, ठीक है? सानिया सिंह, 192 स्टूडेंट्स से 1,000 कैसे आएंगे? क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड होगा, डाउनलोड होगा, तो उसके बाद इसके व्यूज कम से कम 2,000 4,000 ऐसे आते हैं जब मैं देखता हूँ 2 दिन बाद। तो जब वो 4,000 बच्चे देख रहे होंगे तो कम से कम 1,000 लाइक तो आने चाहिए ना। सानिया सिंह, समझ में आया? यही आईटी है, की पॉइंट लगाओ और आईटी में सिलेक्शन लेके जाओ। सानिया जी, अब समझ में आया जो मैंने बोला आपको? ओके, कंटिन्यू। यही आईटी है, डीपीपी 9। चलिए चेक करिए फटाफट। हाँ, इंडियन गेमिंग्स ने भी बहुत सही लिखा है, निकोलस रॉक्स वर्ल्ड शॉक्स।
ये सही बोल रहा है श्रेया गुप्ता, कौन है, कि सर लॉकडाउन के बाद पेड क्लासेस स्टार्ट करना क्योंकि मुझे पूरे साल ऑनलाइन पढ़ना है। वेरी गुड भावेश गुरनानी, आर्ट। अरे अभी रुक जा भाई, मैं बोलूँगा, पहले आंसर नोट करो। अब आप एक एक करके डाउट बोलेंगे। फर्स्ट में कोई डाउट? फर्स्ट में कोई डाउट नहीं? सेकंड में कोई डाउट नहीं? थर्ड में कोई डाउट? फोर्थ में कोई डाउट कौन? एक मिनट रुको, थर्ड में, अरे यार एक तो थर्ड में डाउट है, लेकिन क्या डाउट है तो बोलना पड़ेगा ना। थर्ड में कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 एंड SiCl4। अब वो कह रहा है कि बोथ फॉस्फोरस और सिलिकॉन सेंटर PCl एंड SiCl बॉन्ड रेस्पेक्टिवली कैन अकोमोडेट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यस, दोनों पर अटैक हो सकता है वाटर का, इसलिए सही है। SiCl बॉन्ड इज मोर फेवरेबल टुवर्ड्स द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। बिल्कुल सही है, क्योंकि PCl3 में +3 आएगा, SiCl4 में +4 आएगा। ज़्यादा प्लस आएगा तो ज़्यादा अटैक होगा, और ज़्यादा अटैक होगा तो फेवरेबल होगा नहीं होगा। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड तोड़ करके जुड़ना, क्योंकि हमने SN2 स्टेप में कहा था ना कि जब वाटर आएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होती है। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब पानी के द्वारा बॉन्ड ब्रेक करके कंपाउंड को बनाना। तो यांशु अग्रवाल, समझ में आ गया होगा, तो थर्ड का जो बी ऑप्शन है वो समझ में आ गया। PCl बॉन्ड इज लेस फेवरेबल टुवार्ड द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। सही है, क्योंकि फास्फोरस पर +3 चार्ज है और SiCl4 में +4 चार्ज है, तो ज़्यादा अटैक किस पर होगा? सिलिकन पर। चलिए ऑप्शन बी इन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड गिव्स ट्राई बेसिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस? अगर हम PCl3 का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो की पॉइंट आपको बताया था मैंने, इस पर +3 चार्ज है तो +3 वाला एसिड बनेगा, और ये एसिड बनता है तो इसकी बेसिसिटी आपको याद करो, आप भूल गए, मैंने बताई थी 2, और यही मैंने कहा था, हालांकि इनमें कन्फ्यूजन आएगा, अगर इनमें आप गड़बड़ करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बेसिसिटी 2 है। अच्छा, सेकंड का डेली लिख रहा है एक बच्चा, आर्यन जैन बेटा आपको समझ में आ गया होगा, उत्कर्ष सोनी भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्नेहाशीष घोष ने लिख भी दिया कि डाइबेसिक है। अब सेकंड का डेली बोल रहा है CCl4, CCl4 का तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता, और अगर CCl4, उत्कर्ष सोनी, CCl4 का बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि उसका तो कोई एसिड ही नहीं बनेगा, प्रोडक्ट एसिड, तो डाइबेसिक या ट्राइबेसिक जो भी होगा वो तो गलत है। थर्ड के बाद फोर्थ, सेकंड का ए में भी डाउट है। NCl3, NCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाया था अपन ने, तो NCl3 से क्या बना था बताओ? NH3 बना था, प्लस आपका बना था HOCl। ये एसिड नहीं है, ये तो बेस है, इसलिए आप इसको ट्राई बेसिक नहीं बोल सकते हो। क्या है ये? बेस। ठीक है, चलो फोर्थ। अरे टू का सी में तो बता ही दिया था ना, AHCl3 का जब अपन ने कराया था हाइड्रोलिसिस, तो आपका बना था H3SO3। ये तो ट्राई बेसिक ही होगा ना, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं हुआ था। क्या बोला जल्दी बताओ? इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं हुआ था। प्रभास रंजन, आपको समझ में आया बेटा? चलो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। विकास कुमार ये टाटोमराइज नहीं करेगा, क्लास में बताया था ना। एक मिनट रुक जाओ, सिक्स का बी आया है, सिक्स का बी क्या है भाई? OP4S10। अरे यार की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ। की पॉइंट चलो बताओ,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस फाइव। प्लस फाइव का एक ही एसिड होता है फॉस्फोरस का, भूल गए, और वो कौन सा था, एच थ्री पी ओ फोर, और साथ में सल्फर है तो एच टू एस बन जाएगी। सल्फर का क्या बनेगा, एच टू एस। तो सिक्स का जो बी है वो समझ में आया की पॉइंट से। सेवंथ, फाइव का बी कौन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस इन डिस्प्रोपोर्शनेशन। XCF4 डिस्प्रोपोर्शनेशन में गया था, XCF2 डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं गया था। XCF2 का तो सिर्फ रेडॉक्स हुआ था। उत्कर्ष सोनी, आपको समझ में आया बेटा, उत्कर्ष सोनी एक सजेशन आपके लिए है, आप अगर इसे माने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप आज वापस से हाइड्रोलिसिस का जो लेक्चर है वो दोबारा से अच्छे से देखें, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, आप उसको लर्न करें। आपने लर्न नहीं किया, बिना लर्न किए अगर आप डीपीपीस करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट आएंगे। क्लियर। स्नेहाशीष घोष, एक बार और ट्राई करेंगे आप, मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। H2S क्यों बना, पीयूष भाटी, क्योंकि यहाँ पर सल्फर साइड प्रोडक्ट है, तो आप मैकेनिज्म वापस ट्राई करेंगे आ जाएगा। आशुतोष कुमार, एक बार और ट्राई करें, ठीक है। प्रियांशु अग्रवाल, एक बार और ट्राई करें आप, अपने आप मैकेनिज्म आएगा, कोशिश करें। सेवंथ, सेवंथ तो है लेकिन उसमें है क्या, सेवंथ में मनोज, मनोज पल्लीकली जल्दी से बताओ क्या डाउट है इसमें, सेवंथ में कौन से ऑप्शन में। सेवंथ तो बहुत ही आसान था, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये तो कॉपी का ही क्वेश्चन है। सेवंथ का बी ऑप्शन भी क्लास में कराया था कि SF6 नहीं हो, ये तो इतना अच्छे से डिटेल में कराया था ना कि SF6, SEF6 और TEF6 यहाँ से यहाँ जाते हैं तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ता है। इधर से इधर जाएंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो याद करो क्या होगा, जल्दी बताओ, इधर से इधर जाएंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। क्लियर। ये सौमित्र राज गलत दिखाया आपने कि P4S6 डज नॉट एग्जिस्ट बट P4S10 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो तो इस सेवंथ का बी कॉपी के अंदर वापस से देखें, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए एट्थ, एट्थ में सी ऑप्शन है तिलक। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, कैल्शियम फॉस्फाइड गिव्स अ कंपाउंड ऑफ रॉटेन फिश स्मेल। यस, वेरी गुड। अब ये कैल्शियम फॉस्फाइड लिया अपन ने, अब आप देखो इस पर अगर प्लस तो इस पर क्या आएगा, माइनस। पानी के अंदर अगर आप ध्यान से लिख दोगे तो क्या आएगा, एच प्लस और OH माइनस। अब इस फॉस्फोरस के साथ ये OH जाएगा या H जाएगा, तो आपको पता H जाएगा, तो ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। ये PH3 जो होता है इसका स्मेल होता है रॉटेन फिश स्मेल। कैसा होता है, रॉटेन फिश स्मेल। इंडियन गेमिंग आप थोड़ी देर कंट्रोल करें, क्योंकि टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा है, इसको लिखने से मैं ये डाउट बताना बंद नहीं करूँगा। अभी इसको लास्ट में बोलें आप, ताकि मेरा जो टेक्निकल पर्सन यहाँ आएगा मैं उनसे बोल दूंगा इमीडिएटली, वो कोई अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो कर देंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कर देंगे। लेकिन अगर डाउट बताते समय इस तरह के आप कमेंट करेंगे तो बहुत क्लास का नुकसान होगा, और ये फैसिलिटी बंद कर दी जाएगी आपकी डाउट डिस्कशन की, DPP डिस्कशन की। आप समझ में, इंडियन गेमिंग आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बोला, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह से इतने सारे कमेंट कर दिया आपने, पता है इससे नुकसान क्या हुआ, किसी बच्चे का जो डाउट है वो मुझे दिख ही नहीं रहा। आप सबके लिए फैसिलिटी दी गई है, ये इसको आपको फायदा लेना है, ना कि इसका जो है वो मिसयूज करना है। आप इस तरह से 25-25 अगर मैसेज एक ही नाम से कर देंगे तो बेचारा जो उसका डाउट है वो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एक भी आप ऐसी चीज़ें लास्ट में दे दें, जब अपन लास्ट का 5 मिनट रहता है ना, तब अपन कहते हैं कोई डाउट हो तो आप अपनी प्रॉब्लम उसमें लिख दो, ठीक है बेटा। बट ऐसे मत लिखो बीच बीच में 25-25 बार, टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या, चलते चलते टेलीग्राम लिंक, चलो इसको रख देते हैं, अब मैं टेलीग्राम लिंक देखना शुरू कर दूं कहाँ है। चलिए टेलीग्राम लिंक कहाँ है भाई, हमारे इंडियन गेमिंग को प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करते हैं अपन इस पूरे एक घंटे के लेक्चर में। टेलीग्राम लिंक को सही करना है बच्चे के, इट्स नॉट पॉसिबल ना। मेरे को लगता है आप IT के स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, है ना, डिस्टर्ब ना करें मुझे, ठीक है बेटा। पहले DPP डिस्कस करें,
फिर पढ़ेंगे, फिर लास्ट में आप बोल देना, है ना। तो मैं टेक्निकल पर्सन होगा उसको बोल दूंगा कि एक बच्चों को प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ठीक है बेटा, तो वो सॉल्व करेगा, मेरे बस का नहीं है। आप सोचो कि मैं सॉल्व करूँ, मेरे से नहीं होने वाला, मेरे को तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, पढ़ा सकता हूँ बस आपको, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं आएगा, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद भी मत करना मुझसे, मैं तो बस बोल के चला जाऊँगा कि भाई एक प्रॉब्लम आई है बच्चे को, उसको सॉल्व करो, तो फिर वो सॉल्व करेगा, ठीक है। कंटिन्यू, तो क्या था अब वो देखो, एट्थ था, हाँ पीएच थ्री चल रहा था, पीएच थ्री रॉटेन फिश स्मेल है। एट्थ का ए ऑप्शन में भी डाउट है किसी को, जितेंद्र मीना, एट्थ का ए ऑप्शन, बी आर सी एल ऑन हाइड्रोलिसिस। यार ऐसे सवालों के की पॉइंट दिए ना भाई, ऐसे इनको सॉल्व करने के लिए आप की पॉइंट लगाओ, ये आया फिर ये प्लस प्लस ओ एच माइनस, अब देखो इसमें प्लस कहाँ आएगा, यहाँ, माइनस कहाँ आएगा, यहाँ, इंटर हेलोजन नहीं है, क्लास में कराया था, ये बाहर आ जाएगा ऐसे, तो क्या बनेगा एच सी एल, और ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा एच ओ बी आर, ठीक है। एट्थ का ए भी आ गया समझ में, इंटर हेलोजन का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था याद करो, एट्थ का ए कंप्लीट। सेवंथ का डी भी पूछ रहा है कोई बच्चा, सेवंथ के डी के अंदर आप हमेशा भूल जाते हैं कि एस एफ सिक्स के लिए गलत पता है आपको, क्योंकि हमने एक लाइन लिखी थी नो हाइड्रोलिसिस, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, रीजन क्या था, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन अगर होगा तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पाएगा ना, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस में सबसे आगे कैसे आ सकता है। तो जिसका भी डाउट था वो क्लियर हुआ बेटा, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील आती है कि एक दिन आप सब इसी तरह से आईटी में भी बैठे होंगे और एक दिन कमेंट कर रहे होंगे कि सर आपकी ऑनलाइन क्लास की थी, आप देखो जिसलिए हम आईटी के अंदर बैठे हैं, अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रांगली पढ़ना शुरू करें, कभी मां सोचे कि आपके साथ क्या हो रहा है, ये कोरोना आ गया है, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब है, कुछ डिस्टर्ब नहीं हुई, अंदर से यहाँ से पढ़ाई होती है, इसको स्ट्रांग रखते हुए पढ़ने की कोशिश करें बस। चलिए एट्थ के बाद नाइन्थ, नाइन्थ का डी दिखाई दिया अभी तक मुझे, नाइन्थ का डी बी एफ थ्री, फिर हाइड्रोलाइज्ड हुआ था, फिर एक कॉम्प्लेक्स बना था और उस कॉम्प्लेक्स के साथ चलो बताओ क्या बना था फाइनली, कॉम्प्लेक्स के साथ ये आपका बी एफ थ्री था, ये एच टू ओ था, और हमने यहाँ पर बी एफ थ्री से क्या बनाया था एच थ्री बी ओ थ्री, प्लस साथ में जो कॉम्प्लेक्स बना था वो एच बी एफ फोर ऐसे था, ये जो था बोरिक एसिड, इसके लिए आपको मैंने क्लियरली समझाया था कि बेसिसिटी वन होती है, और ये भी बताया था कि ये एक प्रोटोन डोनर एसिड नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रोटोन डोनर एसिड। तो अगर ये प्रोटोन डोनर एसिड नहीं है और इसकी बेसिसिटी कितनी बताई थी वन, क्या बताई थी वन, तो बेसिसिटी कितनी आएगी इसकी वन। नाइन्थ का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग अबव रिएक्शन, अच्छा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 24, अरे यार इसको तो बैलेंस करो ना भाई, अब मैं बैलेंसिंग थोड़ी ना करने बैठूंगा मैं, अब यहाँ देखो यहाँ नाइन आ रहा है, नाइन आने का मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए बोलो, बैलेंस करनी पड़ेगी आपको ये, तो ये तो खुद ही करें आप ट्राई, ठीक है। टेंथ, टेंथ का बी आ रहा है डाउट बार बार, कौन सा है बी ऑप्शन देखें, ओके ये वाला, इसके लिए आपको बैक बॉन्डिंग याद करनी पड़ेगी, बी एफ थ्री बी सी एल थ्री बी बी आर थ्री बी आई थ्री, मैंने आपको क्या बोला इसके लिए आपको बैक बॉन्डिंग याद करनी पड़ेगी, तो आप जब नोट्स पढ़ेंगे आज तो बैक बॉन्डिंग रिवाइज करेंगे, बैक बॉन्डिंग के अंदर एक क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ लुइस एसिड, तो आपको बताया था सबसे अच्छा लुइस एसिड ये होता है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे वीक होती है, इसमें सबसे स्ट्रांग होती है, और अगर इसमें सबसे स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग होगी तो वाटर सबसे कम अटैक करेगा क्योंकि सबसे अच्छा लुइस एसिड ये है, सबसे अच्छा जो लुइस एसिड होगा उसी में वाटर अटैक करेगा ना, क्योंकि उसी की इच्छा होगी लोन पेयर लेने की, तो सबसे अच्छा ये होगा, इसका मतलब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस में यही तो आगे आएगा कौन बी आई थ्री,
तो अगर आपसे बोले कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस तो सही है, ठीक है। अगला, करेक्ट ऑर्डर 10th का सी क्यों नहीं होगा, कौन बोल रही है? देखो स्नेहा दास ने करके भी दिया है 12 9 3 9, देखो जरा बैलेंस हुआ गया, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना इसको। तो 12th का बॉम्बे तो समझ में आ गया, 10th का बॉम्बे समझ में आ गया, अब ये कैलकटा कोई बच्चा पूछ रहा है, तो कैलकटा जब पूछोगे आप तो कैलकटा के अंदर एक चेंज करके दिया है हमने ये। अब इसके अंदर के SF4 में कोई स्टेरिक रिपल्शन आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या इसमें कोई स्टेरिक रिपल्शन आ रहा है 10th का सी, जिसको डाउट पूछ रहा है ऋषभ राज, क्या 10th के सी में स्टेरिक रिपल्शन है? नहीं। देखो यहाँ पर आपका 4 है, जबकि यहाँ क्या होता SF6, अगर ये SF6 होता तब अलग होता। अब यहाँ स्टेरिक रिपल्शन नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी किस पर ज़्यादा है, सोचो, इस पर, क्योंकि नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस में सबसे आगे ये आएगा, ठीक है। जबकि अगर SF6 वाला होता तो ऑर्डर क्या होता, ये ठीक है। दोनों में चेंज क्यों आया, क्योंकि ये अलग है वो अलग है, तो आप कंफ्यूज हो गए थे इन दोनों में, ठीक है। चलिए ये भव्य सिंह ने भी सही लिखा, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेवेंथ, इलेवेंथ में कोई डाउट? इलेवेंथ में बेटा नहीं। ट्वेल्थ में कोई डाउट? नहीं। 13th में कोई डाउट? 13th आ गया एक, प्रगुण पांड नहीं, क्या नाम था गया यार, 13th में बहुत सारे आ रहे हैं, 13th में क्या प्रॉब्लम है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रा एसिड्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि HF, HCl, HBr और HI, इनको अपन क्या बोलते हैं बताओ, हाइड्रा एसिड्स, क्या बोलते हैं इनको, हाइड्रा एसिड्स। अब वो बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रा एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ 4 मोल्स ईच ऑफ। तो अब सबसे पहला सवाल है NCl3, तो आपको NCl3 का हाइड्रोलिसिस पता होना चाहिए था, आपको याद करो मैंने बताया था एक तो बनेगा NH3 और HOCl, दूसरा BF3 की बात की थी, BF3 का फाइनली हाइड्रोलाइज कराया था, तो आपको मैंने बताया था बोरिक एसिड प्लस HBF4 बना था कॉम्प्लेक्स फाइनल, और SiF4 का जब कराया था तो आपका फाइनली क्या बना था, H4 SiO4 प्लस H कॉम्प्लेक्स बना था, याद करो H2 SiF6, कहीं पर भी हाइड्रा एसिड बना के देखो। हमेशा मैंने कहा था आपको कि जब भी हाइड्रोलिसिस बोले तो उसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो होता है उसके प्रोडक्ट से ही आंसर देते हैं, ये मैंने क्लास में बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था। तो अब आप अगर ध्यान दें तो आपकी फाइनल रिएक्शन जो होती है उससे आंसर दिया जाता है। फाइनल रिएक्शन ये देखो, आप BF3 की कराई तो ये बना, और कॉम्प्लेक्स इसकी कराई तो ये बना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कोई हाइड्रा एसिड नहीं है, तो हाइड्रा एसिड यहां नहीं बना है, क्लियर, इसलिए आंसर 0 आया है। 14th में कोई डाउट? नहीं है। 15th में कोई डाउट? फोर्टीन में क्या डाउट है भाई, दोबारा से देखें। नंबर ऑफ स्पीशीज इन विच टोटोमराइजेशन अकर्स ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, तो अब
टॉटोमराइजेशन की कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। टॉटोमराइजेशन की कंडीशन थी एक लोन पेयर होना चाहिए, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होनी चाहिए और एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमने याद करो पीसीएल थ्री के अंदर तो किया था ये, क्योंकि जब पीसीएल थ्री में किया था तो जो कंपाउंड बना था वो बना था लोन पेयर ये रहा, एक OH, एक OH और एक OH, और फिर प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप करवाई थी तो ये बन गया था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो SF4 है, SF4 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कंपाउंड बनता है, क्लियर। इसमें भी प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होती है, देखो जरा कैसे, एक लोन पेयर है यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये H2SO4 की दो स्ट्रक्चर्स होती है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, क्या वाला जल्दी बताओ, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिकल कहलाएगी और ये अनसिमेट्रिकल कहलाएगी। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में से नेचर में जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर मिलती है वो ये मिलती है, इसीलिए हम H2SO3 का जो एसिड होता है उसकी बेसिसिटी दो बोलते हैं। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी बोलोगे आप, दो, इसकी बेसिटी कितनी बोलोगे, दो, क्योंकि इन दोनों में से ज्यादा ये पाया जाता है नेचर में, अभी तक उसके कंपाउंड नहीं मिले। जिस दिन उसके कंपाउंड बहुत सारे मिल जाएंगे हम उस स्ट्रक्चर से सारी पढ़ाई करने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम जब भी स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूल की सॉल्ट की करते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में इसके सॉल्ट मिल रहे हैं ज्यादा इसलिए इसकी स्टडी कर रहे हैं हम, क्लियर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए दो आंसर गया इसका, एक SF4 और एक PCl3 जहां टॉटोमराइजेशन हो रहा है। अगला 15th में देखो, पहला आंसर आएगा SF4, दूसरा आएगा TeF6, तीसरा आएगा BF3, NCl3 और ClF3। HCF4 में रेडॉक्स रिएक्शन होगा बेटा, और SN2 के अंदर रेडॉक्स नहीं होती है, क्या बोला मैंने बताओ, SN2 के अंदर रेडॉक्स नहीं हो रही है, इसलिए आंसर मेनली कौन सा जाएगा, ठीक है। हाँ 14th में मुदित सही बोल रहा है कि अगर P4O6 है तो वो भी आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर 3 आएगा, सही करो इसको, वेरी गुड। P4O6 है तो उसका भी H3PO3 बनेगा, उसमें भी टॉटोमराइज होगा, तो आंसर है 14th का 3। P4O6 भी है बेटा इसके अंदर, SF4 भी है, P4O6 भी है, और एक आपका कौन बचा, PCl3। तो 14th का आंसर है 3। ठीक है, सेंट्रल एटम पर अटैक हो या ना हो, अगर अटैक हो रहा है किसी भी एक एटम पे और वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले रहा है और उसको ही मैकेनिज्म को SN2 कहते हैं। जनरली सेंट्रल एटम पर अटैक होता है, लेकिन मॉलिक्यूल के किसी भी एटम पर अटैक हो सकता है। पीयूष भट्टी, समझ में आया आपको, 9th का ए भी होगा, एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 9th का आंसर बताया तो है AB, दो आंसर बताया ना 9th में, देखो जरा चेक करो 9th का AB। अशोक जल्दी से देखो, 9th के अंदर दो ऑप्शन, दो आंसर बताया मैंने, AB, क्लियर। शंकु घोष, बोरोन कैसा है बेटा, सब ठीक है,
क्लियर सबको? ना, नाइन्थ का ए बी सही करो, नाइन्थ का ए बी क्लियर। चलो अब कॉपी खोलो फटाफट। अगला हेडिंग आएगा आपका आयनिक बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 में नहीं होगा क्योंकि H3PO4 बनेगा PCl5 से, क्लियर। तो PCl5 का कोई हाइड्रोलिसिस के बाद H3PO4 बनेगा, तो H3PO4 का कोई टॉटोमराइजेशन नहीं होगा, क्लियर। चलो अब मेरी तरफ देखो फटाफट। आयनिक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जल्दी बताओ? आयनिक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो समझना। हम जो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, या हम जो बोलते हैं, बोलो जल्दी, हम जो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और हम जो बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, उनकी अगर हम बात करें तो आप समझना ध्यान से कि आयनिक बॉन्ड जो होता है 100% आयनिक पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो भी 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर आते हैं वो होते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल से। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर आते हैं वो किससे आते हैं? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल से। इसी तरह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं, और वो कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं किससे? पोलराइजेशन से। और पोलराइजेशन जो है उस फिनोमिना को समझाया किसने? एक साइंटिस्ट ने, और उस साइंटिस्ट का नाम था फैजांस। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? फैजांस रूल। यानी कि फजांस ने क्या समझाया कि 100% आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, उस आयनिक के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट भी आते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? 100% आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, आयनिक बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। तो कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे, और वो किस फिनोमिना के थ्रू आएंगे? पोलराइजेशन। तो हम यहां क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन। तो अब फैजांस ने क्या कहा वो सुनना। फैजांस ने कहा कि एक केटायन और एक एनायन, एक केटायन और एक एनायन जब आइसोलेटेड कंडीशन में, क्या बोला जल्दी बताओ? आइसोलेटेड कंडीशन में, कैटायन और एनायन जब आइसोलेटेड कंडीशन में एक दूसरे के पास आते हैं। अभी आइसोलेटेड कंडीशन क्या होती है भाई? बहुत सिंपल है, जैसे आपको उठा के जंगल में डाल दें और जंगल में आप पड़े हुए हो। अब आपके पास आसपास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहे आप, दैट मीन्स आप आइसोलेटेड हैं। आप नहीं बोलते मुझे आइसोलेट कर रखा है, आप लोगों को मेरे से बात ही नहीं करता कोई भी। इस कंडीशन को आइसोलेटेड कहते हैं। और यहां पर अगर इसका मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग होता है ऐसी कंडीशन जहां पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा हो, यानी जो भी यहां पर फोर्सेस होंगे वो इन दोनों के बीच में आपस में आएंगे। तो फैजांस ने बोला कि जब कैटायन और एनायन आपस में, क्या बोला जल्दी बताओ? कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के पास आते हैं आइसोलेटेड कंडीशन में, तब कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचना शुरू करता है। कैटायन इस एनायन को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करता है। तो जब ये इसको अपनी ओर खींचना शुरू करता है, उसकी वजह से इसका शेप बिगड़ जाता है। इस शेप बिगड़ने को कहते हैं डिस्टॉर्शन। यानी कि इस एनायन का क्या हो गया है? डिस्टॉर्शन। क्या हो गया है? डिस्टॉर्शन। क्लियर? दोबारा से सुनेंगे। कैटायन और एनायन जब एक दूसरे के पास आते हैं आइसोलेटेड कंडीशन में, तब कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है। कैटायन जब इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है तो एनायन का शेप बिगड़ जाता है। इस शेप बिगड़ने के प्रोसेस को डिस्टॉर्शन कहते हैं। साइमल्टेनियसली ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी इस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है,
इससे क्या होता है, कैटायन का भी शेप बिगड़ जाता है। कैटायन का भी अगर शेप बिगड़ जाएगा तो इसमें भी डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो यानी डिस्टॉर्शन दोनों में होता है, लेकिन कैटायन का साइज छोटा होने की वजह से कैटायन के इलेक्ट्रॉन पर कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगाता है। अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा तो कैटायन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, इसलिए एनायन का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा। तो कैटायन का जो डिस्टॉर्शन है इसलिए वो नेग्लिजिबल बोला जाता है, इतना कम होता है कि दिखाई ना दे और हम उसे एक्सपेरिमेंटल ही मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या बोला जाता है कि जब आइसोलेटेड कंडीशन में कैटायन एन आयन कम क्लोज टुगेदर, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन आयन, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन इज अट्रैक्टेड बाय चार्ज ऑन कैटायन एज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्टॉर्शन क्रिएट इन बोथ आयन्स, बट ड्यू टू स्मॉल साइज डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन इज नेग्लिजिबल। क्लियर? ये नेग्लिजिबल होता है किसमें कंसिडर किया जाता है, एनायन के अंदर, और डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। क्लियर? और द टेंडेंसी ऑफ कैटायन, कैटायन की वो टेंडेंसी जिससे वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर डिस्टॉर्ट कर रहा है उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। क्या कहा जाता है उसे? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और इस पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो इस डिस्टॉर्शन करेगा, जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन करेगा यानी पोलराइजेशन करेगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो हम बोलते हैं पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। दोबारा से बोलो, पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा। क्लियर सबको? दोबारा से आराम से सुने अब एक बार और, कैटायन और एनायन जब आइसोलेटेड कंडीशन में एक दूसरे के पास आते हैं तो कैटायन पर जो चार्ज है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, एनायन का जो न्यूक्लियस है वो कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, एज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, दोनों में डिस्टॉर्शन क्रिएट होने से शेप बिगड़ जाता है, परंतु डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन हमेशा मीजर होता है और डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन मीजर नहीं होता ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, अब ये डिस्टॉर्शन जो होता है उसे पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन किसका होता है? एनायन का, और कैटायन की वो टेंडेंसी जिससे वो पोलराइज कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? पोलराइजिंग पावर। क्या कहा जाता है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और इस पोलराइजिंग पावर को हम फाई से बताते हैं। पोलराइजिंग पावर के और भी नाम आपको याद रखने हैं, पहला पोलराइजिंग पावर, दूसरा आयनिक पोटेंशियल, तीसरा डिग्री ऑफ कोवेलेंसी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कोवेलेंसी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ कोवेलेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर सबको? फाई का जो मतलब होता है वो होता है चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। क्लियर सबको? और इसका एक नाम और बोल सकते हो आप, चार्ज डेंसिटी। क्या क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, चार्ज डेंसिटी। जल्दी बोलो, चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? चार्ज डेंसिटी। क्लियर? अब आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि डिस्टॉर्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ या ना? जल्दी बोलो, लिख के बताओ फटाफट। अरे कमेंट ही नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो? जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यस, पता है मुझे कुछ नहीं समझ में आया, यही आईटी, मुझे कुछ नहीं आया, आपको पता नहीं कैसे आ गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे कनेक्ट तो करो भाई, कैसे क्या कैसे बढ़ा दिया आपने कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसे खींच लिया बढ़ गया कोवेलेंट कैरेक्टर, ये क्या मतलब है? मेरे तो दिमाग में बैठा ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया आप क्या पढ़ा रहे हो। आपने बोल दिया, मैं मान लू साला यूं खींचा, ये हो गया, पता नहीं मतलब फील नहीं आई अंदर से, फील नहीं आ रही मतलब सर,
दिल से मतलब अंदर से, मतलब एक होता है ना, जो आप जब पढ़ाते हो तो एकदम कनेक्शन बैठ जाता है, साला रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ में आता है क्लियर कट एकदम, वो फील नहीं आ रही सर मुझे तो नहीं आई कि मैंने बोला पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, मेरे को तो अंदर से फील ही नहीं आई। एक होता है ना अंदर से महसूस होता है कि हाँ यार ये टॉपिक अब क्लियर हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया, पता नहीं तुम्हें कैसे आ गया। अब देखो एक चीज़ समझना है, इसको समझाने से पहले दो छोटी छोटी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। आपने सुना होगा अभी रामायण चल रही है बहुत ज़बरदस्त, सुबह भी आती है रात को भी आती है, खतरनाक। उस रामायण में एक प्रसंग है, आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो अपने पेरेंट्स से पूछना कि मेघनाथ लक्ष्मण जी को तीर मारता है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, उनको बचाना होता है, बचाने के लिए क्या करते हैं हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं किसको, डॉक्टर को लाने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर होते हैं वैद्य पुराने ज़माने में, वो डॉक्टर लेके आते हैं, याद करो आप रावण के यहाँ से उठा के ले आते हैं। तो डॉक्टर जब उन्हें देखता है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनको एक दवाई चाहिए जिसकी वजह से ठीक हो जाएंगे, उसका नाम था संजीवनी बूटी। अब संजीवनी बूटी जो है वो कहाँ मिलेगी, हिमालय में। अब कौन जाएगा कि हनुमान जी, उनको उन्होंने बता दिया कि इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई संजीवनी बूटी का ये विशेष लक्षण है और आप जाओ आपको हिमालय पर्वत पे मिल जाएगी। अब हनुमान जी पहुंचते हैं वहाँ पे, हनुमान जी को सारी बूटियाँ एक जैसी दिखती है, कुछ समझ में नहीं आता तो फिर वो एक काम करते हैं, वो भी की पॉइंट लगाते हैं, पूरा पहाड़ उठा लेते हैं, ऐसे देखा होगा फोटो आपने चलते हुए, और पूरा पहाड़ ला के रख देते हैं और फिर डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि ढूंढ लो जो है, मुझे नहीं आता। एक कहानी है। दूसरी कहानी, कृष्ण भगवान जब थे तो कृष्ण भगवान जो है आपको पता है छोटे थे उस समय बचपन में, तो वो खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने देखा कि यार लोग पूजा कर रहे हैं, ये पूजा क्यों कर रहे हैं, तो पूजा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने आंसर दिया कि भाई इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं ताकि बारिश हो। अब हमारे भगवान बड़े टेक्निकल और साइंटिफिक नेचर के थे, तो उन्होंने बोला उस ज़माने में कि भगवान थोड़ी करते हैं, वो तो पर्वत करवाते हैं, पहाड़ करवाते हैं, उनसे जब बादल टकराते तो बारिश होती है, अगर आपको पूजा ही करनी है तो पहाड़ों की करो, टेक्निकल साइंटिफिक, ठीक है। तो सबने पहाड़ की पूजा शुरू कर दी, गोवर्धन पर्वत। अब गोवर्धन पर्वत की जब पूजा करी तो इंद्र भगवान नाराज हो गए, इंद्र भगवान जब नाराज हो गए तो क्या हुआ, इंद्र भगवान जब नाराज हो गए तो उन्होंने बारिश शुरू कर दी भयंकर। सब कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, कृष्ण भगवान से बोला हमारी रक्षा करो, रक्षा करनी थी तो, और कृष्ण भगवान ने क्या करा कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया, आपने देखा होगा इस तरह से उठा रखा है उन्होंने, ठीक है, एक ही उंगली पे, और सारे उस पहाड़ के नीचे आ जाते हैं ताकि सब सुरक्षित हो सकें। अब इन दोनों स्टोरी को अगर हम कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी जो हैं वो तो ताकत के देवता कहे जाते हैं, बड़ी ताकत होती है उनमें, ताकतवर शक्तिशाली, वो जब पहाड़ को उठाते तो ऐसे पूरी ताकत लगा के उठाना पड़ता है। कृष्ण भगवान छोटे से बच्चे थे उस ज़माने में और उन्होंने उस पहाड़ को एक उंगली पे उठा लिया, ठीक है। अब हमारे लोग कहते हैं कि साहब ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल बात है। अब इन दोनों घटनाओं को कंपेयर करें तो हनुमान जी ने तो ताकत से उठाया था और कृष्ण भगवान ने उंगली से उठा लिया था, क्यों, क्योंकि उन्हें उसका सेंटर ऑफ मास पता था, गोवर्धन पर्वत का सेंटर ऑफ मास पता था, इसलिए उन्होंने खट से उठा लिया। टेक्निकल थे, साइंटिफिक थे ना कृष्ण भगवान, ये तो पहले से ही पता है हमें, हनुमान जी में टेक्निक थी नहीं इसलिए उन्होंने ताकत लगा के उठाया। तो कुछ समझ में आया, इसी तरह इस थ्योरी का भी एक सेंटर ऑफ मास यानी की पॉइंट है, इसका भी एक की पॉइंट है, और यहां की पॉइंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये कि अगर मान लीजिए ये एक एटम, ये है एक एटम, ये इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर इसका भी अधिकार होता है और इसका भी अधिकार होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यानी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इसका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, इसे कोवेलेंट कैरेक्टर कहा जाता है, क्लियर। जब आप पोलराइजेशन करेंगे तो पोलराइजेशन के दौरान क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन हो रहा है। जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पर इसका भी अट्रैक्शन है, इसका भी अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस पर इसका भी अट्रैक्शन है, इसका भी अट्रैक्शन है, अगर दो दो अट्रैक्शन लग रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है ये, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आप सोचो जितना ज्यादा ये इसको अपनी ओर खींचेगा इसका मतलब उतना पोलराइजेशन होगा, जितना पोलराइजेशन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना पोलराइजेशन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जितना पोलराइजेशन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए मैंने बोला था कि पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। फील आई अंदर से। अब आप देखो कनेक्ट करते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊं, फाई, फाई जितना ज्यादा होगा, फाई का मतलब
इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर, इसकी जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और अपने ओर जितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा आएगी, या जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा कूलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो फाई अगर बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। क्लियर आया ना? जल्दी बोलो, फील आई कि नहीं आई? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप दिमाग की बत्ती जलाएं कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब दिमाग लगाना, अगर एक ऐसा कैटायन आ जाए जिसका साइज छोटा हो, साइज अगर छोटा होगा तो फाई बढ़ेगा, फाई अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है? या हम पहले इसको समझते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फजान्स रूल। तो पहला होगा साइज ऑफ कैटायन। अब देखो साइज ऑफ कैटायन अगर क्या है, छोटा, तो फाई क्या होगा? ज्यादा। पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा। पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। अब आपसे पूछा उसने कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, इनमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन होगा? तो देखो सबसे पहले आप देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, सब पर चार्ज तो सेम है, Cl भी सबका सेम है, तो फिर हम क्या देखेंगे? सिर्फ कैटायन। कैटायन की बात अगर करें तो कैटायन के अंदर जो है वो साइज नीचे आने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। फाई कम हो रहा है, फाई कम हो रहा है, फाई कम हो रहा है, फाई कम हो रहा है। अगर फाई कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है इनमें से, चलो बताओ, क्या ये ऑर्डर आएगा? हाँ ये ऑर्डर आएगा। 11th क्लास के अंदर जब साला पढ़ाते थे तो तुम लोगों ने प्राण खा लिए थे कि LiCl कोवेलेंट कैसे होता है बताओ। उस समय नहीं बता सकते थे, मजबूरी थी, क्योंकि ये फजान्स रूल आपको नहीं आता था, आपको लगता था साला सर को आता ही नहीं, हमें नहीं बताते, हमारे डाउट क्लियर नहीं कर पाते ये अच्छे से, LiCl कोवेलेंट कैसे ये नहीं बता पा रही है। कैसे बताएंगे? इतना बड़ा थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा, तभी LiCl आपके लिए कोवेलेंट बन पाएगा, उससे पहले कहां से कोवेलेंट लेके आएगा? कुछ समझ में आएगा? इस दिमाग में जाएगा जो खाली है? अब LiCl कोवेलेंट आएगा। क्लियर? दूसरा फैक्टर समझना, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन अगर बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। अब अगर मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछूं, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, ये प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये पीरियड्स हैं, पीरियड के अंदर साइज ज्यादा वेरिएशन नहीं करता है, क्या बोला जल्दी बताओ? पीरियड में साइज ज्यादा वेरिएशन नहीं करता है, क्या बोला जल्दी बताओ? पीरियड में साइज वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि हम सेकंड पीरियड के तो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड के तो थर्ड पीरियड, ऐसे चलेगा। लेकिन चार्ज की बात करो तो चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, आप देख के बताओ साला, चार्ज अगर बढ़ रहा है तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, पोलराइजेशन बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर घटेगा। तो बताओ ऑर्डर ऑफ क्या होगा जल्दी से, यहां पर क्या ऑर्डर होगा? ये की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, फील आनी चाहिए थी, फील जब तक नहीं आएगी अंदर साले समझ में कहां से आएगा। अब आप सोलो, पहले ही समझ में आ गया था आपको, आपको लगा हमें तो समझ में आ गया, हम तो सवाल कर लेंगे, नहीं, जेई का सवाल नहीं होता, इसीलिए समझ में तो तुम्हें सब आता है, सिलेक्शन थोड़ी सबका हो जाता है, सिलेक्शन करवाना है साला इंपॉर्टेंट अपना, और वो सिलेक्शन तभी होगा जब थ्योरी अच्छे से दिमाग के अंदर घुसेगी। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था साला स्टार लगा दिया था पहले ही,
क्योंकि इससे आपके काफी सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी जो 11th क्लास में आपको लगता था कि यार ये तो सारा डाउट ही नहीं बता पाते, हम पूछते हैं इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उसकी थ्योरी आपके लिए लेवल की नहीं है, कैसे बता मैं डाउट। क्लियर? तीसरा देखना अब, थर्ड, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन अगर बढ़ा दें तो क्या होगा देखना जरा। ये प्लस और ये आपका एक एनायन है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा, जल्दी बोलो, अपनी और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब अगर मैं इसकी जगह एनायन का साइज बढ़ा दूं, दिमाग की बत्ती जलाओ, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। अब इसको कैसे सोचते हैं वो समझना, ये अपना एनायन का न्यूक्लियस है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, और ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। दिमाग की बत्ती जलाई, सेंटर फेस चिंगम चबाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और जबान पे लगाम लगाओ, इधर देख के बताओ, ये दूर है ज्यादा, इसका अट्रैक्शन कम होगा, इसका यहां अट्रैक्शन कम होगा, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं साइज ऑफ एनायन अगर ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है। चलो बताओ ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर देख के बताएंगे अब आप फटाफट से। मैंने कहा LIF, LICL, LIBR और LII। चलो बोलो फटाफट, एनायन का साइज देखो वो ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ये आ गया, आया ना, तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर समझ में आया कि नहीं आया? अबे तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता साले, अनपढ़ गंवारों की तरह मत बैठो, दिमाग लगाओ, यहां 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 घुसना चाहिए सब, यही आईडी है। यस, तो ये आंसर आएगा चौथा, चार्ज ऑन एनायन, क्या बोला जल्दी बताओ, चार्ज ऑन एनायन, क्या बोला जल्दी बताओ, चार्ज ऑन एनायन। अब देखो चार्ज ऑन एनायन की बात करते हैं अपन, अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि O माइनस टू, N माइनस थ्री और F माइनस, आपने आयनिक रेडियाई पढ़ी थी अगर याद हो तो इनमें से साइज किसका बढ़ा है देख के बताओ, हाँ इसका साइज बढ़ गया, अभी आपको ऊपर वाला फैक्टर बताया था, साइज ऑफ एनायन अगर बढ़ गया तो पोलराइजेशन बढ़ गया, पोलराइजेशन बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, तो इसका मतलब अगर किसी एनायन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएंगे तो उसका साइज बढ़ने लग जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने ही इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा, अपने ही इलेक्ट्रॉन पर अगर कम हो जाएगा तो केटायन ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाएगा, अगर ज्यादा ज्यादा अपनी ओर खींच पाएगा तो पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि चार्ज ऑन एनायन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और आयनिक कैरेक्टर कम, और यहीं पर अगर मैं बना दूं LIF, Li2O और Li3N, चलो बताओ इनमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कौन ज्यादा होगा? ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जल्दी, ये क्यों? क्योंकि इसको आपस से देखो आप, LIF, Li2O और Li3N चेक करके बताओ, यहां कितना आएगा? माइनस वन, यहां कितना आएगा? माइनस टू, यहां कितना आएगा? माइनस थ्री, आया ना? क्लियर? तो ये आपके चार फैक्टर हमने पढ़े फजान्स रूल के, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, पहला अगर हम साइज ऑफ कैटायन छोटा करते हैं, साइज ऑफ कैटायन छोटा करते हैं तो फाई बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा,
चार्ज ऑन कैटायन बढ़ा दें तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा, दो हो गए। तीसरा, साइज ऑफ एनायन अगर बढ़ा दें, साइज ऑफ एनायन बढ़ा दें तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर घटेंगे। और अगर चार्ज ऑन एनायन बढ़ा दें तो चार्ज ऑन एनायन बढ़ने पर एनायन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा, और एनायन का अट्रैक्शन अगर कम हो गया इलेक्ट्रॉन पे तो आप सोच सकते हो क्या होगा, कैटायन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा एनायन के, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर घटेंगे। चार हमने फैक्टर पढ़े फजान्स के जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स को बढ़ाते हैं, क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे पांचवा फैक्टर, ठीक है, क्लियर। अब इसको आप अच्छे से पढ़कर आएंगे और याद करकर आएंगे, प्लीज आप क्या बिना याद किए, बिना पढ़े, बिना इसको सुने, इस लेक्चर को दोबारा सुनो, अच्छे से दोबारा समझो, जहां डाउट आया उसको अच्छे से नोट डाउन करो। आप अगर ये दोबारा पढ़कर आओगे तो आयनिक बॉन्ड में आपको मैं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, समझ गए। और अभी भी देखो आप 240 हैं और 215 लाइक हैं, तो लाइक 1000 होने चाहिए कम से कम, जितने व्यूज है उतने लाइक होने चाहिए अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि उससे रेटिंग इसकी ऊपर आती है, ऊपर आती है तो जो आपके दोस्त हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको भी देखने को मिलता है, आपकी वजह से किसी एक का और भला हो जाएगा, तो लाइक्स बढ़ने चाहिए, ये याद रखें आप। जितने ज्यादा आप लाइक करेंगे वीडियोस को, इसकी सर्च रेटिंग में ऊपर आएगा तो दूसरे भी बच्चों को देखने को मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।